रियासत तेलंगाना में होने वाले इलेक्शन के चलते कांग्रेस पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। रियासती माइनॉरिटी चेयरमैन के बाद अब जिला आदिलाबाद के माइनॉरिटी के एक बड़े लीडर व उनके हामियों ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। रियासत तेलंगाना में इलेक्शन बिगुल बजने के बाद से कांग्रेस पार्टी की जानिब से कैंडिडेट्स के ऐलान के बाद से ही कई सीनियर कायदीन व माइनॉरिटी लीडर्स ने रेवंत रेड्डी की आइडियोलॉजी को आरएसएस की आइडियोलॉजी करार देते हुए कहा और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और रेवंत रेड्डी की आइडियोलॉजी से अभी तक कांग्रेस के कई माइनॉरिटी लीडर्स व पार्टी से इस्तीफा देते हुए दूसरे पार्टीज को ज्वाइन किया। इसी तरह आज जिला आदिलाबाद के माइनॉरिटी लीडर्स ने आदिलाबाद से एक आरएसएस से कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले शख्स को टिकट देने पर इस्तीफा दे दिया। माइनॉरिटी लीडर्स ने कहा कि जिला आदिलाबाद से एक आरएसएस की आइडियोलॉजी रखने वाले शख्स को टिकट दिया गया और मजीद कहा कि टीपीसीसी प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी के पास अब इंसाफ नहीं रहा। वो पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देकर आरएसएस से कुछ साल कबल पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले शख्स को टिकट देकर वो ये साबित कर रहे हैं कि वो आरएसएस की आइडियोलॉजी रखते हैं। आदाब नमस्कार जय हिंद। आज बड़ा अफसोस हुआ जो आदिलाबाद का टिकट जो फाइनल हुआ आरएसएस के सिद्धांत जो आइडियोलॉजी रखने वाले को, आज रेवंत रेड्डी साहब के पास इंसाफ खत्म हो चुका है। इस वजह से आज हम आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज चेयरमैन के अहदे से मैं हार हो चुकी है। जैसा कि हम बताए थे कि गैसो मीटिंग में गैसो प्रेस जो दिए थे यहाँ पर प्रेस नोट कि जब जो इंसान पार्टी के लिए काम करा 15-20 साल से जो इंसान काम करा उसको टिकट ना देते हुए एक आरएसएस और बीजेपी से जो इंसान आए वाला है उसको टिकट दिए कार्यकर्ताओं की इसमें हार हुई। इसलिए हम पार्टी से और हमारे पोस्ट से रिजाइन करें। जैसा साजिद खान साहब करोना में काम करें, सुजाता मैडम काम करें, संजय रेड्डी साहब काम करें, हम रेवंत रेड्डी साहब से ये बोले थे कि दिए तो तीनों में से किसी को एक टिकट दो कार्यकर्ताओं की, इसमें इनका भविष्य रहने वाला है। मगर फिर भी आज पैसों की बुनियाद पर टिकट एक आरएसएस की सोच रखने वाले को आदिलाबाद से दे दिया गया है। आज इसमें हमारी हार हुई, लिहाजा हम कांग्रेस पार्टी से और हमारे पोस्ट से हम आज रिजाइन कर रहे बोलते बोल सॉरी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मेरे साथ टाउन कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, मंडल्स कमेटी सारे लोग आज रिजाइन कर चुके हैं और हमारा रिजिग्नेशन लेटर मैं एआईसीसी और पीसीसी को भेज दिया हूं और सारे मंडल के प्रेसिडेंट्स, टाउन प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स मुझे रिजिग्नेशन लाके दे दिए और मेरा रिजिग्नेशन लेटर मैं एआईसीसी और पीसीसी को भेज दिया हूं। हम ऐसे जो सिद्धांत वाली पार्टी है हम उसके साथ काम नहीं करेंगे। हम इसलिए आज रिजाइन कर रहे हैं पार्टी से।